इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर योग्यता दिखाऊं तो आप यहाँ पर योग्यता भी चेक कर पाएंगे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे 10+2 यानी कि 12वीं पास अगर आप है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, भारतीय वायुसेना की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। और अगर आप 12वीं पास हैं, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती में आपकी जो हाइट रहेगी, अगर आपके 152 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, 1600 मीटर की दौड़ के लिए आपको यहाँ पर 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी, इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो आवेदन करना है, केवल और केवल आपको ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। आवेदन किस प्रकार से करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, वो इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करना होगा, यानी केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे, ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी, 33,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। जो इस भर्ती का फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि आपको जो फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। जो आपकी हाइट रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, जिसमें आपकी हाइट रहेगी 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपकी चेस्ट रहेगी, कम से कम 5 सेंटीमीटर का उसमें फुला होना अनिवार्य। जो आपका रनिंग रहेगा, यानी कि जो आपको दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको यहाँ पर 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाऊं, तो आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर वो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें साफ साफ दिया गया है 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पर दौड़ होगी, 6.5 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। सिटअप्स आपके यहाँ पर 10 रहेंगे, पुशअप्स भी आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे, और 20 आपको यहाँ पर स्क्वाट भी लगाने होंगे। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, फोटो सिग्नेचर, फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर का होना अनिवार्य है, एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। सभी में 50% अंक होना अनिवार्य है, अगर आपके हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इंग्लिश में भी यहाँ पर 50 नंबर होना अनिवार्य या फिर समकक्ष होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना अनिवार्य इंजीनियरिंग डिग्री के साथ। आप यहाँ पर सभी जानकारी रीड कर सकते हैं। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आप यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आवेदन करना होगा, तो आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आवेदन आपको यहाँ से करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक
करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा। अब बात रही आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट दी गई, तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया कितनी वैकेंसी निकाली गई। कभी भी वायुसेना नहीं बताती है कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। जो पोस्ट नेम रहेगा वो यहाँ पर ग्रुप एक्स टेक्निकल के लिए होगा, वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब बात रहे यहाँ पर जो भर्ती का एज लिमिट रहेगा 17 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती में यहाँ पर आपको कोई एज में छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलती है और OBC वालों को 3 ईयर की छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डेट जो यहाँ पर रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, 8 सितंबर से इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट होंगे, 10 सितंबर से आप यहाँ तक आप इस भर्ती के आवेदन कर पाएंगे, यानी कि जो लास्ट डेट रहेगी 10 सितंबर 2020 रहेगी, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले जो उस भर्ती की रैली की डेट आई हुई है वो यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 23 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में आपकी ओपन रैली भर्ती चलेगी। आपको यहाँ पर 150 कैंडिडेट अप्रोक्स बुलाया जाएगा डेली। आपको यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर उसकी डिटेल ले पाएंगे। 23 सितंबर से लेकर 26 दिसंबर के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि आपका रनिंग रहेगा और आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना होगा। सभी जानकारी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है और जो वैकेंसी दी गई यहाँ पर कर्नाटक के कैंडिडेट के लिए दी गई, 150 कैंडिडेट यहाँ पर डेली बुलाए जाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।